हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हम सारे यहाँ पे ग्रामर के पॉइंट्स, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। और इस सीरीज़ में हमारे पास में नाउन, प्रोनाउन, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट और आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के भी मैं आपके लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो होता है नाउन का होता है। अब देखिए, नाउन आप सभी जानते हैं नाउन बेसिक होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स नहीं समझाने वाला हूँ, मैं वो समझाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक से नहीं पूछता है कि नाउन क्या होता है, नाउन के एग्जाम्पल दे देगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना, हम वो चीज़ें यहाँ पर करेंगे। 13 यहाँ पर रूल्स हैं नाउन के, ऐसी सब जो टॉपिक्स हैं हमारे सबके मैं रूल्स आपको डिस्कस करूँगा, सबको बताऊँगा। आपको सिर्फ यही करना है, इससे ऊपर नाउन में नहीं जाना है। आप इतना कर लेंगे एनाफ है आपके लिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखना, आपके आंसर सही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नाउन आपको यहाँ पे करना है। देखिए, नाउन के यहाँ पे 13 रूल में आपको मैं समझाऊंगा। तो देखते हैं हमारे पास में 13 रूल्स कौन कौन से हैं नाउन के। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, यहाँ से देख सकते हैं। आपको एक प्रेजेंटेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, पहला यहाँ पे मेरे पास में नाउन होता क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। नाउन आप जानते हो, नाउन होता है क्या है, किसी भी चीज़ के नेम को, कोई भी अगर हमारे पास में संज्ञा है तो उसको हम नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ को। ठीक है, चाहे वो कोई फीलिंग ही क्यों ना हो उसको भी नाउन कहा जाता है, कई लोगों में डाउट रहता है। देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं सीधा, नाउन होता क्या है। अब देखिए, नाउन कई तरह के नाउन होते हैं, जैसे एक होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ मंकी, चर्च और बुक। ठीक है, अब अगर मैं चर्च बोल रहा हूँ वर्ड, तो चर्च वो कोई सा भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, कोलकाता में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है। बुक की बात करूँ तो बुक कोई सी भी हो सकती है, एनसीईआरटी भी हो सकती है, एंट्रेंस एग्जाम की भी हो सकती है। मंकी की बात करूँ कोई सा भी हो सकता है, चिंपैंजी हो सकता है, गोरिल्ला भी हो सकता है। लेकिन वहीं मैं आता हूँ प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन में होता क्या है, चिंपैंजी एक मंकी की कैटेगरी आ गई, प्रॉपर हम उसी के बारे में स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं। पेरिस की बात करें, पेरिस तो एक ही है ना दुनिया में, है ना, तो ऐसी दो यहाँ पे तो सिटी नहीं होंगी। मोहन, मोहन को अगर मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तो रोहन तो नहीं सुनेगा ना, मोहन ही सुनेगा, तो प्रॉपर नाउन है। पीएनबी बैंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसबीआई का तो कुछ निकल के नहीं आ रहा। तो हम प्रॉपरली अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, नाम अगर ले लेते हैं, तो हमारा प्रॉपर नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, देखिए जो भी आप जानते हैं फीलिंग जो होती है, अब कई लोगों के माइंड में आता है कि फीलिंग जो होती है फ्रेंड वो नहीं होती नाउन, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो आता है जो हम फील कर सकते हैं बट हम देख नहीं सकते। जैसे फ्रेंडशिप की बात करें, ठीक है, तो फ्रेंडशिप जो है हम फील कर सकते हैं लेकिन हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये नाउन का ही पार्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं है बट फिर भी आपको याद रखनी छोटी छोटी चीज़ें। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, ग्रुप की बात अगर कहीं पर करते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ओके, अ बंच ऑफ बनाना, तो ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं जहाँ पर हम ग्रुप की बात करते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 5 ट्रीज़, 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ है, 5 ट्रीज़ है। उसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एयर और स्मोक। क्या आप हवा को काउंट कर सकते हो कि एक हवा जा रही है, 5 हवा जा रही हैं, नहीं ना। सिंगुलर नाउन के ऊपर आते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं जहाँ पे हम सिंगल किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे गर्ल, अ गर्ल। ठीक है, यहाँ पे एक गर्ल की बात कर रहे हैं, टाइगर, एक टाइगर है, पेंसिल, एक पेंसिल है। प्लूरल नाउन वो होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे बात कर लेते हैं, जैसे पेंसिल्स, गर्ल्स, टाइगर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में छोटी सी लिस्ट है, आप इसको देखेंगे इजीली आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। देखिए, स्टार्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, आपके माइंड में यही आएगा अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, स्टार्स जो होते हैं वो हमारे काउंटेबल होते हैं क्योंकि हम काउंट तो कर सकते हैं ना उनको। आप काउंट नहीं कर पा रहे तो वो आपकी गलती है, लेकिन वो काउंटेबल हैं। अगर हम हेयर्स की बात करें तो वो भी काउंटेबल हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे स्टार के आगे इज लगा हुआ है, ठीक है, तो वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल है। यहाँ पे हमारे पास में प्लूरल प्लूरल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नहीं है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, 2 स्टार 3 स्टार हम काउंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि अगर हमारा मान लीजिए नाउन है, अगर नाउन के साथ में एस या ईएस लग जाए तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे नाउन क्या होता है, बॉय। अब नाउन के साथ मैंने एस लगा दिया तो बॉयज़ हो गया, मतलब बहुत सारे हो गए ना, प्लूरल हो गया, राइट।
अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे पास में चेयर होता, चेयर एक नाउन है, अगर हम इसके साथ ऐसा लगा दें तो चेयर्स हो जाएगा, जो बहुत सारे चेयर्स हो गए, मतलब प्लूरल हो गया। यहीं पे अगर मैं बात करूँ वर्ब की, अगर वर्ब के साथ हम एस ई एस लगा देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बन जाता है, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे सिंग, सिंग होता है गाना गाना, ऐसे लगा दिया सिंग्स, मतलब गाता है, राइट, सिंगुलर के लिए यूज़ हो गया ना यहाँ पे, गाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, अगला पॉइंट, 10 पॉइंट और रहते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली। तो अगर हमारे पास में ये नाउन जो है, ये हमारी ऑलवेज जो है प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, इनके साथ हमेशा ऐसा आता है, ये लिस्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, नाउन में ये लिस्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसके साथ हमेशा एस आता ही आता है और उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है दोस्तों, इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे सीजर्स, ठीक है, बाइनोकुलर्स, शॉक्स, तो इनके साथ में आर आएगा, इज नहीं आएगा, इन सभी लिस्ट के साथ में प्लूरल वर्ब है। नीचे एग्जाम्पल देखिए, अर्म्स वर गिवन टू द बैगर्स, राइट, वर आ गया ना अर्म्स के बाद में, प्लूरल नाउन आ गया, वर्ब आ गई। वेयर आर माई शूज़, वेयर इज़ माई शू नहीं कहते हैं यहाँ पे, मिस्टेक जो आती है ना, क्वेश्चंस बनते हैं, वेयर इज़ माई शू, लोग ऐसे कई बार बोलते हैं, रॉन्ग होता है, वेयर आर माई शूज़, ओके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि इनके बाद हमेशा हमारे पास में प्लूरल वर्ब आती है और ये हमेशा एस के साथ आते हैं, शूज़ लिस्ट में है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आइए, फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग। यहाँ पे हमारे पास में इसमें एस तो लगता है लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है। ऊपर वाले में क्या था, प्लूरल मीनिंग था, जैसे शूज़ की बात करें तो पेयर्स होता है, वेजेस की बात करें 1 रुपया तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए पॉइंट फाइव में हमारे पास में प्लूरल फॉर्म है बट सिंगुलर मीनिंग निकल के आता है, इसलिए यहाँ पे हम जो उसके वर्ब यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर ही करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। पॉलिटिक्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स तो नहीं है यहाँ पे, राइट, फिजिक्स, बहुत सारी फिजिक्स तो नहीं है, ये एस लगता तो है लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर ही होता है। रिकेट्स, न्यूज़, न्यूज़ किसी एक न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू तो नहीं आएगा ना, न्यूज़ ही आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने ये, सॉरी, पॉलिटिक्स इज़ एन आएगा, ठीक है, इज़ कर लेना इसे, इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो हमारे पास में सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। सिक्स पॉइंट आते हैं, सिंगुलर फॉर्म बट प्लूरल मीनिंग, यहाँ पे इनके साथ में कभी भी एस ई एस नहीं लग के आता, एग्ज़ाम में इनके साथ में एस ई एस लगा दिया जाता है तो वहाँ पे मिस्टेक्स आप एरर में निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कैटल्स नहीं होता, पीपल्स, चिल्ड्रंस, पीजेंट्रीज, पोल्ट्रीज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, लेकिन पीपल के साथ में कंडीशन आती है हमारे पास में, पीपल के साथ में हम एस भी यूज़ करते हैं। अब लोग कहेंगे कि एस कब यूज़ करते हैं, क्योंकि आज तक हमने नहीं सुना है कि पीपल्स कोई ऐसा वर्ड नहीं होता गाइस, लेकिन होता है। अगर हम पीपल को यूज़ कर रहे हैं अ नंबर ऑफ पर्सन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो एस नहीं लगाएंगे, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग। अगर हम बात करें पीपल्स मतलब बहुत सारे लोग, बट डिफरेंट रेसेस, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, तो उनमें से अगर एक ग्रुप है, ठीक है, तो वो हमारा पीपल्स कहा जाएगा। अगर हमारे पास में एक मैदान में काफ़ी सारी पार्टीज़ खड़ी हुई हैं और उसमें से एक पार्टी है अलग पार्टी, तो उसके जो लोग अलग खड़े हुए हैं घेरा बना के, तो उसको हम पीपल्स बोलेंगे, ठीक है। इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है इन सारे वर्ड्स के साथ में, ठीक है। पुलिस आर, ठीक है, कैटल आर, ओके, पीपल आर, तो यहाँ पे हमारे पास में चिल्ड्रन आर, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, आप इन वर्ड को माइंड में बिठा लेंगे। सेवन्थ पॉइंट हमारे पास में आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं और सिंगुलर वर्ब इनके साथ में यूज़ किया जाता है। देखिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन इसके साथ फिर भी सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आर यूज़ नहीं किया जाता, सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। लगेज इज़, सी एन वी इज़, फर्नीचर इज़, ठीक है, फर्नीचर बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रैफिक बहुत सारे हो सकते हैं, परसेंटेज बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, एडवाइस बहुत सारे हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब। आपको याद रखना है ये वर्ड हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एनशेंटेड अस, द पुअर और पुअर्स द पुअर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ थी, द पुअर, पुअर्स
और द पुअर्स, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये रहता है, द पुअर सही है आपका, पुअर्स भी सही है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में द पुअर लिखा हुआ है, द पुअर्स लिखा हुआ है, द भी आ रहा है और पुअर्स भी आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, मिस्टेक्स ऐसी आती हैं, द पुअर्स करके सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पे आपको एस हटाना है, तो वहाँ पे आपका एरर लगाएंगे इसकी, क्योंकि द पुअर का मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप हो गया पुअर का, और पुअर्स की बात भी ये होता है कि बहुत सारे पुअर हो गए, और द पुअर्स का मतलब तो डबल हो गया, है ना। द भी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पुअर्स की बात कर रहे हैं बहुत सारे, और पुअर्स में एस भी इसलिए लगा रहे हैं, तो ये डबल हो गया, यहाँ पे आप एरर लगाएंगे इसकी। एट्थ पॉइंट हमारा कहता है यूज सिंगुलर प्लूरल बोथ वर्ब, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बोथ वर्ब आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। फिश, शिप, टीम, देखिए अब शिप की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपको छः वर्ड आप याद रखेंगे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अ शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, अब देखिए शिप की बात कर रहे हैं, अगर एक शिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इज़ आएगा, राइट, अ शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। टू शिप, अगर उसी शिप के आगे हम टू लगा देते हैं, टू शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे आर आ गया, प्लूरल आ गया यहाँ पे वर्ब, राइट। तो इसी चीज़ें यहाँ पे हम इसको हम इज भी लगा सकते हैं, और सॉरी सिंगुलर भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। नाइन्थ वर्ड देखिए, नाइन्थ हमारे पास में जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। हाइफनेटेड नाउन जो भी होती हैं, अगर आपके दो नाउन अलग अलग आ रहे हैं, हाइफन बीच में आ रहा है, तो दोनों जो है सिंगुलर ही यूज़ होंगे, उसमें एसीएस नहीं आता है। ही गेव मी 100 रुपी नोट, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में मोस्टली ये आता है कि हंड्रेड्स हाइफन रुपी नोट्स या 100 हाइफन रुपीज़ नोट्स आता है, तो वो रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आपको हाइफन के आसपास वाले जो दोनों वर्ड्स होते हैं वो अगर नाउन है तो हमारे उसमें सिंगुलर यूज़ होता है, हमारे एसीएस नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं टेंथ पॉइंट हमारा कहता है नॉलेज जो है, नॉलेज हमारे पास में अनकाउंटेबल है, ओके, बट इन सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक नॉलेज यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए नॉलेज का सेंस निकल के आ रहा है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे हम ए नॉलेज यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, नॉलेज इज़ पावर, राइट, नॉलेज इज़ पावर, शी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ पजल्स, अ गुड नॉलेज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आता है, जो हमारे पास में एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, शी हैज़ गुड नॉलेज ऑफ पजल्स, अब यहाँ पे सेंस जो आ रहा है ना वो इन्फॉर्मेशन का निकल के आ रहा है कि उसको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है पजल्स की, ठीक है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे ए लगेगा गुड से पहले, वहाँ पे ऊपर क्या था, नॉलेज इज़ पावर, तो वहाँ पे नॉलेज का मतलब कि नॉलेज ही है, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे हमारे पास में ए लगना जरूरी है, तो यहाँ पे ए लगना जरूरी रहेगा, गुड से पहले हम ए लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अरस के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इलेवंथ पॉइंट देखिए, इलेवंथ पॉइंट हमारे पास में कहता है डेफिनेट न्यूमरेबल एडजेक्टिव के साथ में अगर नाउन आ रहा है तो उसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए ये हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं जो आप याद रखेंगे, हमेशा ये वर्ड्स अगर आते हैं, ठीक है, न्यूमरेबल हैं ये सारे, 100, 1000, स्कोर, ईयर, पेयर, डजन, ये सारे न्यूमरेबल हैं, मतलब 1, 2 इनके न्यूमरेबल वर्ड्स ही हैं, ये एडजेक्टिव हैं, इनके बाद अगर नाउन आता है तो ये सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा। आई हैव अ 10 रुपी नोट, ओके, 10 यहाँ पर हो गया डेफिनेट न्यूमरेबल एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास में जो हमारे पास में रुपी आ रहा है वो हमारा नाउन हो गया, राइट, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा, कभी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे प्लूरल फॉर्म। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो यहाँ पे हमने कभी भी टू के साथ में एस नहीं लगाया, 200 रुपीज़ नहीं आएगा, 10 रुपीज़ नोट नहीं आएगा। ऊपर देखिए 10 के साथ में रुपीज़ में एस नहीं आया, 100 में एस नहीं आया, तो कभी भी हमारे पास में 100, 1000 ये वर्ड्स आते हैं, उनसे पहले अगर हमारे पास में कोई नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई भी वर्ड आ रहा है इन सभी वर्ड से पहले, तो हमारे पास में ये वर्ड जो है 100, 1000 इनके साथ कभी भी एसीएस नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। 12th पॉइंट देखिए, अगर हमारा पहले प्लूरल आ रहा है उसके बाद ऑफ आ रहा है फिर प्लूरल आ रहा है, एग्जाम्पल देखिएगा, यही वर्ड ऊपर वाले वर्ड ही हैं ये, डजन्स ऑफ बनानास, अगर हमारा ऑफ आ रहा है और ये वर्ड्स अगर हमारे पास में लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, और इन वर्ड्स के साथ में अगर एस आ रहा है तो उस ऑफ के बाद वाला, तो यहाँ पे ऑफ के बाद वाला भी हमारा क्या रहेगा,
यहाँ पे भी हमारा उसके बाद वाला भी प्लूरल में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, डजन्स ऑफ बनानाज वर बॉट बाय हिम, डजन्स ऑफ बनानाज, ठीक है, मतलब यहाँ पे एस आ गया डजन्स में, ऑफ आ गया तो हमारे पास में बनाना नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी तरह बन जाते हैं, बनाना वर बॉट, तो यहाँ पे बनानाज आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ आ गया, पहले भी प्लूरल आएगा बाद में प्लूरल आएगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब देखिए पीपल के लिए हमने यहाँ पे पीपल वैसे ही प्लूरल है, ठीक है, पीपल केम टू सी द फेयर, ओके। आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज़, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आया है, टू पेयर्स ऑफ शूज़, राइट। अब लेकिन आपने ऊपर के देखा था पेयर के साथ में कभी भी एस नहीं आता, अगर उससे पहले नंबर दे रखे हो जैसे टू दे रखा हो टू पेयर आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ वाला रूल भी आ गया, दोनों रूल एक साथ आ गए तो वहाँ पर हम ऑफ वाले रूल को फॉलो करेंगे। आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज़, ऑफ से पहले वाले में भी ऐसा आता है बाद वाले में भी ऐसा आता है, इस चीज़ को आप दो तीन बार वीडियो को देखना और ये नोट्स को आप कॉपी करके समझना, इनको याद रखना तो आपको इजीली समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। 13th पॉइंट हमारा कहता है नाउन, उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन आता है, फिर से नाउन आता है, देखिए तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म होगा, नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन अगर आता है तो हमारा सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी, जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन क्लिम्ड द रोस्ट्रम, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म यूज़ की है, वुमेन में हमने ई एन वाला वुमेन नहीं लगाया है, और बाद में भी देखिए आप सिंगुलर आया है वुमेन। अ मील टू वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी, अ टू मील वॉक, देखिए ऑलवेज यहाँ पे हमारे प्रीपोजिशन आ रही है, उससे पहले वॉक और टू मील दोनों यहाँ पे नाउन है सिंगुलर फॉर्म में है, कीप्स के बाद में कीप्स हमारा यहाँ पे क्या आ गया, वो भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, हिम हेल्दी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ये 13 रूल हमारे पास में है, ये 13 रूल आप याद रखेंगे, इसकी मैं आपको PDF आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इनको आप नोट डाउन करेंगे, इस वीडियो को 2-3 से 3 बार देखेंगे, इसमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझसे पूछेंगे, नाउन कवर करेंगे सही से, अगला टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं।